प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। जनादेश बीजेपी के पक्ष में गया है। प्रचंड बहुमत से एक बार फिर योगी सरकार ने प्रदेश में वापसी कर ली है। हैरान करने वाली बात है कि सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से अपनी सीट गंवा बैठे हैं। उनकी हार की क्या वजह रही, कि हार के सबसे बड़ा कारण क्या रहे, इस पे आज हम खास बात करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने बेशक अपने राजनीति की शुरुआत संघ के परिवार और विश्व हिंदू परिषद के पहले भी केशव मौर्य दो बार विधानसभा के चुनाव हार चुके थे, लेकिन खास बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने राजनीति का जो तिलश्म हासिल किया उसका कालखंड महज 10 वर्षों का है। 2012 में वह पहली बार सिराथू विधानसभा से ही विधायक निर्वाचित होकर सदन पहुंचे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वह सिराथू छोड़कर फूलपुर चले गए। प्रयागराज जिले की फूलपुर लोकसभा सीट बेहद खास और वीआईपी मानी जाती है। एक दौर था कि यहाँ से कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। उनके बाद उनकी बहन विजयलक्ष्मी भी यहाँ से सांसद निर्वाचित हुई थी। ऐसे में 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर में केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ से जीत दर्ज की तो यकायक भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बढ़ गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य भी उस मुख्य भूमिका में थे जिसमें योगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे तमाम कद्दावर नेता अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। बहरहाल जब पटेल और मौर्य मतदाताओं की बात होती है तो लोग या बीजेपी की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य को ही नेता मान रहे थे। नतीजे आए तो सभी हैरान थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें हासिल की। इस प्रचंड बहुमत के बाद काफ़ी हद तक केशव प्रसाद मौर्य को भी इसका श्रेय दिया गया, जिसकी एक वानगी तब देखने को मिली जब केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को बतौर सीएम प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन संघ के आगे केशव की एक नहीं चली। संघ ने अपनी मोहर योगी आदित्यनाथ के नाम पर लगा दी थी। नतीजा केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। 2022 का विधानसभा आते आते 5 साल का कार्यकाल लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य का भी देखा और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छपी जहां कट्टर हिंदूवादी नेता के साथ साथ एक बुलडोजर बाबा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाले के रूप में हुई, वहीं डिप्टी सीएम की एक अपनी अलग छवि गढ़ी, जिसकी वानगी का परिणाम इस विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिलता है। केशव प्रसाद मौर्य अपने ही गृह जनपद सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। केशव प्रसाद के चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजहों की बात करें तो इसमें 2-3 चीज सामने आती है जिसे लेकर राजनीतिक जानकारों के अपने अलग अलग दावे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि केशव प्रसाद मौर्य की हार की एक बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा रखना या उनसे परस्पर प्रतिद्वंदिता रखना भी है। वहीं उनके अपने करीबियों के द्वारा कौशाम्बी और आसपास के ज़िलों में लगातार किए गए कार्यों के बाद समर्थकों में नाराज़गी भी एक बड़ी वजह मानी जाती है। आखिरी बात की बात करें जिसने केशव प्रसाद मौर्य की हार में सबसे अहम रोल किया, वो है अखिलेश यादव का वो दांव जो उन्होंने अंतिम समय में चला था। या यूँ कहें कि केशव को हराने के लिए जब अखिलेश यादव ने अपना दल की प्रत्याशी पल्लवी पटेल को बतौर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर प्रमोट किया
यह उनके हार की सबसे बड़ी वजह बनी। लोगों का कहना है या मानना है कि अगर पल्लवी पटेल अपने सिंबल पे चुनाव लड़ती या अपना दल के सिंबल पे चुनाव लड़ती तो संभवतः वो केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव न हरा पाती। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने की ये दो तीन वजह सबसे बड़ी बनी, जिसमें उनकी योगी आदित्यनाथ से प्रतिद्वंदिता रखना, उनकी कार्यशैली और इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव का वो दांव जो उन्होंने पल्लवी पटेल को उनके सामने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़कर चला था। ये कुछ वजह रही जो केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण बनी, जिसे लेकर प्रयागराज, कौशाम्बी समेत आसपास के जिलों में चर्चा हो रही है। प्रभात खबर से एसके इलाहाबादी, धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।